तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे साइरोटेक की सिंगल बैंड ONT BSNL की ID इसमें डालेंगे, जो कि अब स्टेप बाय स्टेप हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने वाईफाई इसमें अपना कनेक्ट कर लिया है, जो हमें सिंगल बैंड की ONT अपना FTTH के नाम से शो कर रहा है। पासवर्ड 1 से 8 तक होता है वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है। बैक करते हैं, आपका वाईफाई कनेक्टेड है। क्रोम के ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 192.168.1.1, गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम आपका एडमिन है, पासवर्ड लॉगिन, ठीक है। अब ये हमने लॉगिन कर लिया है अपना। लॉगिन के बाद हम अपना नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ID डालने के लिए हमें पहले यहाँ पे थर्ड नंबर पे PPOE के ऊपर क्लिक करेंगे और VLAN हम अपना चेक करेंगे, जो भी हमें आगे से प्रोवाइड हुई होगी। सबसे पहले हमें सर्विस मोड में TR69 की जगह सिंगल इंटरनेट ही सिलेक्ट करना है और VLAN है जो कि हमें भेजी थी जिसने भी हमसे करवाना है 245। सॉरी, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 245 डन। उसके बाद इसे हम नील कर देंगे। यूज़र नेम में हमने सीधा ला के यूज़र नेम में हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, आपको भी ऐसी ही ID BSNL की तरफ से मिल जाती है, ठीक है। और पासवर्ड में हमने पासवर्ड ही टाइप करना है, वो भी स्मॉल लेटर्स में, पासवर्ड, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन ओके है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद सेव और सप्लाई पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम अपने लैंडलाइन यानी वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद हमने कनेक्शन नेम के ऊपर ही क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड न्यू वैन कनेक्शन पे क्लिक करा, उसके बाद मोड के ऊपर ब्रिज हम इसे राउट कर देंगे और IPv4 जो कि हमने हमेशा सेलेक्ट करनी होती है। और लैंडलाइन के लिए अपना DSCP के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और सर्विस मोड में हम यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट कर देंगे। और VLAN हमने रखनी है, जो हमें BSNL की तरफ से मिलती है। VLAN आप अपने ऑपरेटर से भी पता कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। हम इसकी VLAN रखेंगे 1849 और IPv802 में हम रखेंगे 6 और MTU हमारे 1500 ही नॉर्मली तकरीबन रहती है। उसके बाद हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। ये लीजिए, आपकी दोनों आईडियाँ बन गई हैं, एक आपकी इंटरनेट की और एक आपकी वॉइस की। उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके क्लिक करेंगे, SIP के ऊपर हम इनेबल करके सेव कर देंगे इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे वॉइप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी SIP रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह हैं ये सब ब्लैंक है। इस पे हमें एक IP टाइप करनी होती है, BSNL ही उसे हमें दे। ये यहाँ पे अब हम पेस्ट कर देते हैं सीधा, आप भी देख लीजिए आपने, जैसे कि ये मेरी ID है PBFTTH.UTMIS.BSNL.IN, ठीक है। ये आपने कॉपी करके टोटली जितने भी ब्लैंक है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। टाइप भी कर सकते हैं वैसे तो, पर मैं इजी स्टेप है तो हम पेस्ट ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी है हमारे पास ये अनटिक बॉक्सेस हैं, सब पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब हमने इस पर सब पर टिक कर दिया है। अब हम डालेंगे जो हमें अपना लैंडलाइन नंबर मिला है, वो लैंडलाइन हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमें मिला है 600।
132 179, ठीक है। और हम ये तो हमारा लैंडलाइन नंबर है, प्लस अब पूरा लैंडलाइन हमें नंबर हमने पूरा लिखना है, प्लस 911722, ठीक है। ये हमारा पूरा लैंडलाइन नंबर है जो इंडियन कोड के साथ यहाँ पे डलता है, ठीक है। अब इसे कॉपी करके हम यहाँ पे अपना सेकंड पे अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर में हमारा लैंडलाइन नंबर ही आएगा, ठीक है। और अकाउंट पासवर्ड पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेव एज अप्लाई पे क्लिक करना है और हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम अपना हमारा काम वैसे ख़त्म हो गया, कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्लियर है। उसके बाद अभी तो मैंने सिग्नल दिया नहीं है, स्टेटस में जाने के बाद हम वैन कनेक्शन इन्फो में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये डाउन आ रहा है दोनों, एक आपका वॉइस का है एक इंटरनेट का है, ये अप शो करेगा जब आप उसका सिग्नल लगा के रखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा काम है नेटवर्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे, हमारा काम अब रह गया है पासवर्ड और नेम का। तो डब्ल्यू लाइन के ऊपर हमने क्लिक करा, सबसे पहले हमने डब्ल्यू लाइन सिक्योरिटी में गए, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। अभी मैं नॉर्मल वैसे ही पासवर्ड 1 से 8 तक सेव कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी हमारा यूज़र नेम पासवर्ड 1 से 8 तक सेव हो चुका है, ठीक है। अब हमारा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, हम फिर से अपने सेम उसी वाईफाई पे जाएंगे, जो कि ऑटोमेटिक ही पहले 1 से 8 तक पासवर्ड था, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम इसे दोबारा अब इसका नाम हम चेंज करेंगे, ठीक है। अभी शायद हमें फॉरगेट करना पड़ेगा पासवर्ड, क्योंकि वाईफाई हम दोबारा इसका पासवर्ड 1 से 8 तक टाइप करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने इसे कनेक्ट कर दिए हैं और अभी थोड़ा वेट करते हैं एक्सेस के लिए। हम उसे अब हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब फिर से हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं, फिर से नेटवर्क पे हम क्लिक करेंगे, नेटवर्क के बाद हम डब्ल्यू लाइन पे फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद SSID पे यहाँ पे क्लियर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे हम अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं, वाईफाई नेम SSID पे BSNL, हम नॉर्मली BSNL लिख लेते हैं, ठीक है। BSNL_2.4 GHz, ठीक है। ये सिंगल बैंड वारंटी है, तो हमने BSNL 2.4 GHz यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद अप्लाई चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्लियर हो गई, आपका पासवर्ड और नाम और पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। अब आप अपने मॉडम को रन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।